तो हेलो फ्रेंड्स, हम पुराने साड़ी से बनाएंगे ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम घेरे वाला पार्ट कटिंग करके निकाल लेते हैं। 35 × 70 इंच हम घेरे का जो हम चौड़ाई लेंगे। देखिए हमारा 35 35 हमारा 70 इंच हो जाएगा। और यहाँ से लंबाई लेंगे 19 इंच। एक और 19 इंच पे निशान लगाएंगे और ये लाइन को सीधा करके निशान लगा देंगे एक। तो सबसे पहले हमें जो किनारी हम सीधा कर लेते हैं, इसके बाद निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे घेरे को। तो फिर ये साड़ी का दूसरे वाला साइड है जिसमें हम बॉडी कट करेंगे। तो ये हमारा 4 4 तह में कपड़ा है। एक और फोल्ड करेंगे, ये हमारा 8 तह हो जाएगा। तो 2 बैक और 2 बॉडी के लिए हम कट करेंगे 4 पल्ला, क्योंकि हम अस्तर का जगह हम कपड़ा यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बॉडी का लंबाई लेंगे 12 इंच। तो एक और 12 इंच पे निशान लगाएंगे और ये लाइन को सीधा कर लेंगे। फिर ऊपर साइड से हम करेगा चौड़ाई लेंगे 2 इंच। एक और 2 इंच पे निशान लगा देंगे चौड़ाई में और लंबाई लेंगे हम 3.5 इंच। और इस तरह से निशान लगा के हम पहले बॉक्स जैसा बना लेंगे। और यहाँ से हम गले का गोलाई लेंगे, गोल गला हम रखेंगे गले का। आगे पीछे का हम सेम गला रखेंगे गोल। अब यहाँ से हम शोल्डर का चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच। आर्मर का लेंथ लेंगे 1.5 इंच। यहाँ से हम चेस्ट का चौड़ाई लेंगे 6.5 इंच। और नीचे से हम कमर का चौड़ाई लेंगे 6 इंच। इस तरह से हम साइड में निशान लगाकर पहले सीधा कर लेंगे। तो फिर यहाँ से हम कमर के गोलाई के लिए 1/2 इंच हम डाउन रखेंगे और यहाँ से गोलाई लेंगे कमर का। तो ये जितना हमारा शोल्डर चौड़ाई है उससे हम 1/2 इंच कम लेंगे हम यहाँ, और ये निशान लगाकर हम सीधा कर लेंगे। तो फिर हम इस तरह से, अब यहाँ से हम आर्मर का राउंड लेंगे। तो फ्रेंड, ये निशान के ऊपर हम अब कटिंग कर देंगे बॉडी को इस तरह से। सबसे पहले हम आर्मर वाला कट करके निकाल लेते हैं। ये और हमारा नीचे वाला साइड से हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि गला हम गोल कट करेंगे तो आगे पीछे का हम सेम गला रखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा ये बॉडी कट कर तैयार है। नीचे से हम एक पट्टी लगाएंगे जो बॉर्डर हमारे साड़ी का जो बॉर्डर है उसका। तो देखिए, इस तरह से हम एक पट्टी लगाएंगे बॉडी में। आप चाहिए तो एक्स्ट्रा है तो आप बैग में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सबसे पहले एक साइड का शोल्डर जॉइंट कर लिए। देखिए, हमारा एक साइड का शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब हम बॉर्डर वाला ये पट्टी हम गले में यूज करेंगे।
इस तरह से फर करते हुए एक दाब के सिलाई में हम लगाएंगे गले में पट्टी। तो फिर देखिए हमारा ये पट्टी लग गई है गले में। अब हम हल्का हल्का कट रहेंगे गले को राउंड शेप लेने के लिए, ताकि गला हमारा अच्छा से बैठ जाए। तो फिर देखिए अब हम एक किनारे में एक सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगाने के बाद हमारा पाइपिंग गले का रेडी है। तो अब दूसरा साइड का शोल्डर भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा दूसरा साइड का भी शोल्डर ज्वाइंट हो गया। अब हम आर्मोर में दोनों साइड हम पाइपिंग लगाएंगे, जिसके लिए हम पूरे पाइपिंग जिसे कट कर लिए इसमें। तो 1.5 इंच हम चौड़ाई पाइपिंग का रखेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमने आर्मोर के ऊपर हम पाइपिंग को अटैच कर लिए। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे में पाइपिंग के किनारे में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम ये पट्टी को बॉडी में भी अटैच कर देंगे। अब चाहिए तो बैग में भी अटैच कर सकते पट्टी। तो फ्रेंड देखिए हमने पाइपिंग हम के ऊपर हमने सिलाई लगा लिया अच्छे से। ये हमारा पट्टी भी अटैच हो गया बॉडी में। तो फ्रेंड्स हमारा बॉडी ये रेडी हो गया। हम इसे इस तरह से पल्टी करते हुए सबसे पहले हम बॉडी को एक साइड में हम सिलाई लगाकर ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद हम घेरा अटैच करेंगे बॉडी के ऊपर। तो फ्रेंड देखिए हमने सिलाई लगाकर एक साइड का बॉडी हमने ज्वाइंट कर लिया। इसके बाद हम इस तरह से बॉडी को हमें सीधा रखते हुए और हमें उल्टा साइड हमें ऊपर रखते हुए बॉडी को इस तरह से गेजिंग लगाएंगे। मीडियम में हम गेजिंग हमारा रहेगा। तो फ्रेंड देखिए हमने इस तरह से गेजिंग लगा लिया बॉडी के ऊपर। अब हम दूसरे साइड वाला भी हम बॉडी को ज्वाइन कर देंगे और फ्रॉक को रेडी करेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। दोनों साइड में हमने सिलाई लगा लिया। अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।